तो आज हमारा जो पीएलसी का लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग सिग्नल फ्लो। ये सिग्नल फ्लो मैंने अपना पिछले लेक्चर में बताया था कि एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में वोल्टेज और मिली एम्पियर आते हैं फील्ड से, उसके बाद वो वैल्यू को किस तरह से पीएलसी के अंदर 0-1 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्शन होता है, एनकोडिंग जब होता है वो इनकोडिंग किस तरह से होता है, उसका क्या टेक्निक्स है, क्या प्रोसेस है, ये सारे चीजों को आज हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं पीएलसी का ऑपरेशन कैसा है, किस तरह से पीएलसी अपना ऑपरेशन करता है। तो क्या होता है, पहले पीएलसी में पहले स्टार्ट होता है, सेल्फ टेस्ट चलता है, कौन कौन सा सेल्फ टेस्ट है, मतलब क्या क्या डिवाइसेस, क्या क्या इक्विपमेंट उसमें एक्टिव है, मतलब जिसका सिग्नल कुछ आ रहा है उसको पहले अपना सेल्फ टेस्ट में देख लेता है, अपना सारे जो जो चीज ऑन है, यानी पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन और कौन कौन से इंडिकेशन उसमें आने वाले हैं, सारे जो जो सिस्टम है वो जो आने वाले वो आएंगे या फिर उसको ब्लॉक किया जाएगा, जितने भी है सेल्फ टेस्ट पर पहले वो पीएलसी अपना देख लेते हैं। उसके बाद इनपुट को स्कैन करते हैं, अपना क्या क्या इनपुट आ रहा है बाहर से, फिर से AI DI जो जो उसकी इनपुट है उसको उसके बाद स्कैन करता है, करने के बाद फिर अपना प्रोग्राम को स्कैन करता है। ठीक है, पीएलसी का जो लॉजिक प्रोग्राम बना हुआ है वो प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद वो फिर अपना आउटपुट्स को स्कैन करता है, हाँ जो जो आउटपुट वहाँ से निकलने वाला है। ठीक है, वो पूरा आउटपुट रेडी है यानी प्रोग्राम उसका पूरा एग्जीक्यूट हो गया यानी पूरा देखने के बाद उसको वो फिर अपना कम्युनिकेशन केबल्स के थ्रू उसको फिर आउटपुट को स्कैन होने के बाद उसको फिर इस तरह से साइकिल जो है चलते रहता है, कम्युनिकेशन होने के बाद फिर सेल्फ टेस्ट, फिर इनपुट स्कैन, ये है इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ये एक साइक्लिक मैनर में चलते रहता है। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तो फेज वन में क्या होता है, फेज वन में वो क्या करता है, अपना जो इनपुट रीड इनपुट स्कैन सारे इनपुट्स को वो फेज वन में स्कैन कर लेता है, फिर फेज टू में देखता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कौन कौन सा इनपुट आया हुआ है उसको किस तरह से प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना है उसको वो देखता है कि हाँ ये जो इनपुट है ये इस प्रोग्राम के लिए, ये जो इनपुट है ये इस प्रोग्राम के लिए है। ठीक है, अगर सारे इंटरलॉक सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सारे कंडीशंस मैच हो जाते हैं, तभी जाके वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद आता है डायग्नोस्टिक या फिर कम्युनिकेशन फेज। ठीक है, कम्युनिकेशन फेज इंटरनली भाई ये डाटा को वहाँ सेंड करना है, वो डाटा को वहाँ सेंड करना है। ठीक है, या फिर उसमें अगर कोई डायग्नोस्टिक है तो उसको रीचेक करना है, डायग्नोस्टिक करके कुछ फॉल्ट है तो उसको डायग्नोस्टिक करके रीचेक करना है, और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट ये जो पार्ट है ये फेज थ्री का। ठीक है, कम्युनिकेशन होगा प्रोग्राम को जो है कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के साथ कम्युनिकेट करके उसके बाद उसको आउटपुट में लिया जाएगा, ये जो है फोर्थ फेज है। फोर्थ फेज में कम्युनिकेशन प्रोग्राम कम्युनिकेशन होने के बाद आउटपुट स्कैन किया जाएगा, और आउटपुट स्कैन हो जाने के बाद वो जो डिसाइड जो उसका आउटपुट है उसको फिर फाइनली एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये है जो पीएलसी का फेज वाइज चार फेज में उसको बांटा गया, एक रिसाइक्लिंग प्रोसेस है। फिर आउटपुट स्कैन होने के बाद फिर से वो अपना इनपुट स्कैन करेगा, फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके फिर से कम्युनिकेशन करके फिर आउटपुट स्कैन, ये जो है ये ऑर्डर चलते रहे। ठीक है, ये बेसिक एक पीएलसी का प्रिंसिपल है या फिर उसका एक ऑपरेशनल फिलोसॉफी है। ठीक है, अब देखते कुछ इंडस्ट्रियल एग्जांपल देखें। ये एक प्रोसेस डायग्राम है। ठीक है, ये प्रोसेस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, ये अगर समझे इस प्रोसेस डायग्राम में कि ये क्लोज्ड वेसल है। इस क्लोज्ड वेसल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक लेवल सेंसर है, ये लेवल सेंसर से एक इनपुट आ रहा है 4-20 मिलीएम्पियर आ रहा है, और यहाँ पर एक लेवल सेंसर, दो लेवल सेंसर, इस लेवल सेंसर से एक इनपुट यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब ये 1/2 एक ब्लॉक है। ठीक है, ये 1/2 ब्लॉक से ये कंट्रोलर में जा रहा है, LIC लेवल इंडिकेटर एंड कंट्रोलर। ठीक है, ये 1/2 ब्लॉक क्या है, दो में से कोई एक इनपुट हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, दोनों ही इनपुट आएगा
दोनों इनपुट में से अगर रिडंडेंट, इसको हम रिडंडेंट कह सकते हैं, अगर एक इनपुट फेल हो जाएगा तो दूसरा इनपुट से वो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्सट्रीम इमरजेंसी केस में हम लोग दो इनपुट लेते हैं, एक्सट्रीमली वाइटल कोई अगर प्रोसेस है उसमें दो इनपुट लेते हैं और दो इनपुट कंटिन्यूस आते रहता है, बाई इसमें से एक इनपुट हम लेते हैं, सिलेक्ट करके लेते हैं, और बाई चांस अगर कोई फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला कंट्रोलर में आ जाता है। तो ये जैसे लेवल कंट्रोल में कंट्रोलर में आया तो कंट्रोलर ने क्या किया, ये कंट्रोलर ने ड्यूअल आउटपुट चैनल है दो 420 mA निकाला, एक 420 mA क्या है यहाँ पर कंट्रोल वाल्व में फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, और दूसरा 420 mA क्या यहाँ, ये दूसरा कंट्रोल वाल्व, ये क्या है ऑटो, ये कंट्रोल वाल्व ऑटोमेटिक और ये है मैनुअल में, ओके। इसके साथ और क्या इंटरलॉकिंग है, ये सारे इनपुट याद रखना क्योंकि अभी जो हम लोग ये कन्वर्शन करेंगे इसमें सब जरूरत होगा धीरे धीरे। 420 मिलियम आया, फिर यहाँ से दो 420 मिलियम निकला, एक ये कंट्रोल वाल्व में गया जो ऑटो में रखा हुआ है, एक ये कंट्रोल वाल्व में गया जो मैनुअल में रखा हुआ है। अच्छा, इसके साथ और क्या है, ये जो कंट्रोल वाल्व का कलेक्शन इसको देखो, ये ड्रेन लाइन से, ये ड्रेन लाइन से, ये भी ड्रेन लाइन से, दोनों कंट्रोल वाल्व जो है इसका ये ड्रेन लाइन से कनेक्टेड है, मतलब फ्लशिंग के काम में आता है इसका। हाँ, सोच लो फ्लश कर दिए तो यहाँ से अगर प्रेशराइज्ड हो गया, हाँ तो इसको फ्लश कर देंगे, हो सकता है कि इनपुट यहाँ से है, पिक्चर में नहीं है, इसमें फिलिंग यहाँ से हो रहा है सपोज, या फिर यहाँ से हो रहा तो फ्लशिंग यहाँ से, मतलब अगर हमको लेवल के हिसाब से अगर उसको ऑटोमेटिकली पानी बाहर निकालना है तो यहाँ से। तो इसके साथ ये जो क्लोज्ड वेसल है, ये वेसल के अंदर कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर रहना चाहिए, एक सेफ्टी इंटरलॉक्स के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रेशर सेंसर लगाया हुआ है। ये प्रेशर सेंसर कुछ वैल्यू दिखा रहा है 15.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रेशर सेंसर का भी इनपुट कंट्रोल वाल्व में आ रहा है, मतलब लेवल एज वेल एज प्रेशर दोनों को, दोनों का इंटरलॉक से, मतलब अगर जब सपोज प्रेशर अगर हमारा 10 केजी रहा और लेवल सोच लो मेरा 100 रहा, 100 यहाँ पर दिखा रहा, तब ये मेरा कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ है कंडीशन, या फिर ऐसा कंडीशन है जब मेरा प्रेशर 10 से 15 केजी रहा और ये जो लेवल है तब मेरा 75 से 100 केजी रहा, तब मेरा ये इंडिकेटर से सिग्नल 420 mA यहाँ आएगा और ये कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाएगा ऑटो में। अच्छा, और थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर सोच लो 15 से 20 मेरा प्रेशर रहा और ये क्या, या फिर ये दोनों में से अगर इसका किसी का भी लेवल का जो वैल्यू है वो सोच लो 100 से 110 तक रहा, तो मेरा ये सिग्नल ये 42 mA एक्टिवेट होगा और ये मेरा ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से सोचो, ठीक है। या फिर इसको हम मैनुअल भी, इन केस ऑफ ऑटो में अगर काम नहीं कर रहा है तो हम इसको मैनुअल मोड में लेके भी खोल सकते हैं, इस तरह से हम प्रोग्राम करेंगे कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर को इंटरलॉक, अच्छा इन केस ऑफ अगर ये कंट्रोल वाल्व काम नहीं करता है, कोई कारण स्टक हो जाता है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, ओपन करके मैं ये यहाँ से पानी को डिप्रेशराइज कर देता हूँ या फिर यहाँ से पानी को एम्प्टी कर देता हूँ, लेकिन एम्प्टी करने से ये जो लाइन है ये चल जाएगा फ्लैश टैंक, एक दूसरे प्रोसेस में जाके ऐड हो जाएगा, जबकि मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत पानी है और मेरा ये कंट्रोल वाल्व काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में अगर मेरा 420 mA आके अगर मैनुअल मोड में यहाँ से मैं ड्रेन करता हूँ तो मेरा ये टैंक में तो ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, मुझे यहाँ पर पानी नहीं चाहिए, तो ये कंट्रोल वाल्व मुझे खोलने से मुझे फायदा नहीं है, उल्टा मेरा नुकसान है क्योंकि यहाँ से मुझे पहले पानी रिलीज करना पड़ेगा। तो मुझे ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर में मुझे पानी जाना है, क्योंकि ये अगर तुम सिग्नल फ्लो डायग्राम अगर देखोगे तो ये यहाँ जा रहा है। तो इनकेस अगर ये काम नहीं करता है, कोई कारण से अगर कुछ प्रॉब्लम है इंस्ट्रूमेंट में, आई टू पी कन्वर्टर है, बहुत सारी चीज़ है जो कि फेलियर्स होते रहते हैं, प्रॉपर अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ, प्रॉपर अगर चेकअप नहीं हुआ, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर तुम देखोगे एक यहाँ पर मोटराइज्ड वाल्व भी दिया हुआ है, मोटराइज्ड वाल्व यहाँ पर सिंबल देख सकते हो, ये बाईपास लाइन है,
ये बाईपास लाइन में ये जो वाल्व है इसको हम लोग मोटराइज वाल्व को अगर ओपन कर देंगे तो मेरा यहाँ से ये थ्रू हो जाएगा, यहाँ से थ्रू होके मेरा इस चैम्बर में पंच, इसीलिए ये सेफ्टी पर्पज के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ तक समझ में आया पूरा डायग्राम क्या किस तरह से ये डायग्राम डिपिक्ट है, डिपिक्टेड है और क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसका प्रोसेस फ्लो किस तरह से। ठीक सर, हाँ सेम एस हम लोग का जो ब्लोअर है, ब्लोअर का जो न्यूमेटिक वाल्व है और मोटराइज वाल्व सेम कंडीशन में, अगर जो अगर सायलेंट फर्नेस बैक प्रेशर देता है कुछ कारणवश अगर ब्लोअर का जैसा इफेक्ट ना हो, इसलिए हम लोग स्नॉट वाल्व के खोलने के लिए एक दो वाल्व, एक न्यूमेटिक वाल्व है उसका पैरेलल में एक तो मोटराइज वाल्व, इनकेस अगर न्यूमेटिक वाल्व में कोई प्रॉब्लम होता है तो मोटराइज्ड होके वो स्नॉट से होकर बाहर होता है। सेम कंडीशन इज देयर भी है सर। आपका क्या काम है? हाफ जो ब्लॉक है उसका क्या काम है सर? ये 1/2 सिलेक्शन, मतलब ये जो दो सिग्नल है ये दोनों सिग्नल आते रहेगा इसमें, लेकिन इसमें से कोई एक सिग्नल को ये लेवल कंट्रोलर में यहाँ सर एक सिग्नल को एक सिग्नल जाएगा, ठीक है, बाय चांस कोई एक सिग्नल इसमें से इसको सर हाँ सिलेक्शन ऑटो सिलेक्शन या फिर 1/2 लॉजिक भी बोलते हैं बहुत जगह पे, तो ये अगर ये दोनों सिग्नल यहाँ पर आए हुए इसमें से कोई एक सिग्नल आगे प्रोसेस होगा, बाय चांस एक सिग्नल में मेरा फॉल्ट आ जाता है तो ये दूसरा सिग्नल लेगा, ठीक है, तो दूसरा सिग्नल लेके उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। लेवल मेजरमेंट ऑफ ए क्लोज टैंक क्वाइट लेवल टू लेवल सेंसर बोथ ऑफ देम आर सेंडिंग 4-20 मिलीएम्पियर, द मिलीएम्पियर आर फेड टू 1/2 सिलेक्टर and from there to level controller, jeta ami bollam the output of level indicator or controller is fed to two control valves A and B, the control valve red will be in auto mode whereas control valve B will be in manual mode, thik ache, the two level sensor sense the level and transmit the converted signal to one out of two block in PLC via an module, the signal then goes to the level controller section, okay, the level controller with the pressure input signal from the pressure sensor execute the control of the control valves in auto or manual mode, in case there is an emergency but the required logic is not satisfied then the bypass MOV is open to execute the operation in smooth way, jo abhi main bola usi ka ek demonstration yahan par english mein hai, theek hai। अभी देखेंगे सिग्नल फ्लो, सिग्नल कन्वर्शन इनपुट मॉड्यूल, सिग्नल कन्वर्शन इन इनपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल में किस तरह से सिग्नल कन्वर्शन हो रहा है, तो उसका उससे पहले हम लोग को कुछ की पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। क्या की पॉइंट्स है? सिग्नल कन्वर्शन समझने से पहले हमको कुछ उसका की पॉइंट्स को जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे इन ऑर्डर टू एक्ट complete the connection the first thing is to determine how the 4-20 milliampere sensor will be connected to the PLC, ye jo 4-20 milliampere jo signal aa raha hai sensor se bahar se wo PLC mein kis tarah se humko connected kiya hua hai, on some PLC location the correct terminal is enough, sometimes jumpers need to be configured and on some PLC the input is configured by software, on some PLC a resistor must be connected in order to transform a voltage input to a 4-20 milliampere current input, matlab kis tarah se tumhara aa raha hai 4-20 milliampere kaise le rahe hain hum, kya koi voltage signal aa raha hai field se, hum ek uske against mein ek humne 250 ohms ka shunt resistance laga ke humne usko 4-20 milliampere mein convert kiya, ya fir koi jumper laga ke humne kiya, ye kis tarah se aa raha hai, theek hai, ye humko dekhna hai, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इनसाइड द पीएलसी द ए टू डी कन्वर्टर ट्रांसफॉर्म द सिग्नल, ट्रांसफॉर्म द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल वैल्यू, जैसे हमको मालूम है कि पीएलसी के अंदर जो हमारा एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल वैल्यू में कन्वर्शन होगा, द डिजिटल वैल्यू रिप्रेजेंट द एनालॉग सिग्नल, वो जो डिजिटल वैल्यू है वो क्या है, वो एनालॉग सिग्नल का ही एक कन्वर्शन है, मैंने बताया था इससे पहले कैसे किस तरह से एनालॉग सिग्नल डिजिटल डिस्क्रीट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद क्वांटाइजेशन और फिर एनकोडिंग सब कुछ पिछले क्लास में हमने बताया।
इन केस ऑफ ए 10 बिट ए टू डी कन्वर्टर, अगर सोच लो तुम्हारे पास एक 10 बिट ए टू डी कन्वर्टर है, द डिजिटल वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1024 इंटीजर। अगर सोच लो तुम्हारे पास एक, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में है, अगर इन केस ऑफ तुम्हारे पास एक 10 बिट ए टू डी कन्वर्टर है, देन द डिजिटल वैल्यू, उसका जो डिजिटल वैल्यू कहां तक होगा, 0 to 1024 इंटीजर तक। Some A to D converters can generate negative value also. कुछ A to D converter जैसे थे वो negative value भी generate करता है। The minimum signal is 4 milliampere with a 4 to 20 milliampere signal. When the signal is lower than 4 milliampere, the digital value is negative or is 4 milliampere a positive value. सोच लो अगर कुछ negative value आता है, सोच लो यहाँ पर मेरा 4 to 20 milliampere signal में से कभी अगर ऐसा भी आता है, तुम देखोगे तो 3.85 value भी आता है, 3.85 मिलीएम्पियर भी कभी कभी दिखाता है। तो कुछ कुछ पीएलसी जो होता है वो 3.85 जो मिलीएम्पियर आ रहा है उसको जीरो लेके ही काउंट करता है। तो वो जो चीज है वो तुमको पहले से डिफाइन कर देना पड़ेगा कि भाई हमारा पीएलसी जो है अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो उसको वो जीरो ही पकड़ेगा, या फिर 4 मिलीएम्पियर आने से जीरो पकड़ेगा। ठीक है, इस तरह से पहले ये जो की पॉइंट है पहले याद कर लेना है, मतलब पहले आपको पीएलसी को डिफाइन कर देना है। हेलो, हाँ, ये जो है इसको पीएलसी को पहले से डिफाइन कर देना है। द डिजिटल वैल्यू इन पीएलसी नीड टू बी स्केल्ड टू ए मीनिंगफुल वैल्यू एंड रीडेबल बाय ह्यूमन। हमको उसका स्केलिंग भी कर देना है, जैसे ऑफ 0 टू 16 बार इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड द पीएलसी बाय ए वैल्यू बिटवीन 0 टू 1024। एक सोच लो 0 टू 16 बार कोई ये है तुम्हारा प्रेशर सेंसर है, उसका रेंज है, अब वो 0 to 16 bar का है, मतलब 0 मतलब 4 milliampere PLC में आएगा, 16 मतलब 20 milliampere PLC में आएगा। अब ये जो 0 to 16 bar है इसको 0 to 1024 जो इंटीजर है उसके बीच में तुमको स्केल कर देना है, PLC में समझा देना है। ठीक है, व्हाइल ऑन द डिस्प्ले ए वैल्यू बिटवीन 0 टू 16 बार इज नीडेड। लेकिन तुम्हारा जो डिस्प्ले होगा जब SCADA में देखोगे वहां पर तुम्हारा 0 टू 16 बार ही रहना चाहिए, मतलब प्रेशर तो हम लोग जो ऑपरेटर वो कैसे देखेगा, उसको तो डिजिटल वैल्यू समझ में नहीं आएगा, मिलीएम्पियर भी नहीं समझ में आएगा। तो जो SCADA में या फिर लोकल डिस्प्ले में दिखेगा वो तुम्हारा 0 टू 16 बार ही होना चाहिए, लेकिन वो जो 0 टू 16 बार का जो स्केलिंग है वो पीएलसी में हमको जब प्रोग्राम या फिर लॉजिक जब हम इसको कन्वर्शन करेंगे, सिग्नल जब कन्वर्शन करेंगे तो उसको वहां पर बता देना है कि भाई मेरा 0 टू 16 बार मतलब एक 10 बिट का ए टू डी कन्वर्टर अगर है तो 0 to 1024 इंटीजर तक ही काउंट करेगा। अब उसमें वो डिवाइड कर लेगा, सपोज अगर मेरा 8 बार प्रेशर है तो वहां पर क्या होगा वैल्यू 1024 का हाफ। व्हाट हैपन व्हेन ए वायर ब्रेक ऑन ए 4 टू 20 मिलीएम्पियर इनपुट। अगर सोच लो कोई सिग्नल आते आते 4 टू 20 मिलीएम्पियर का कोई वायर ब्रेक हो गया या फिर कुछ डिस्टर्बेंस आया कुछ, तो पीएलसी को किस तरह से समझ में आएगा कि भाई क्या फॉल्ट है, सिग्नल क्यों नहीं आ रहा। It is recognized as a wire break alarm or a processor alarm or low temperature alarm or low pressure alarm. ये किस तरह से कौन सा indication as a वहाँ पर आएगा? तो इसको हम देखते हैं when is the wire break alarm activated? जब कोई भी 4 to 20 milliampere का signal का जो भी wire है, अगर सोच लो marshalling box या फिर instrumentation JB में loose है, मतलब वहाँ पर connection खुला हो गया vibration के कारण। ऐसा बहुत बार होता है कि सेंसर का जो कनेक्शन या फिर ट्रांसमीटर का जो कनेक्शन होता है पहले जेबी में आता है, फिर जेबी से तुम्हारा एआई मॉड्यूल्स में जाता है। तो हो सकता है कि अगर जेबी से मेरा तार खुल गया तो वो किस तरह से वो पीएलसी को पता चलेगा कि जो 4 टू 20 मिलीएम्पियर का जो इनपुट आ रहा है उसमें वायर ब्रेक हो जाने के बाद के कारण किस तरह से अलार्म एक्टिवेट होगा। इज द अलार्म एक्टिवेटेड इमीडिएटली और आफ्टर ए प्रीडिफाइंड टाइम मिनिमाइजिंग फॉल्स अलार्म, या फिर क्या वो अलार्म इमीडिएट एक्टिवेट हो जाएगा या फिर थोड़ा डिले के बाद एक्टिवेट होगा। ये सारे चीज जो है तुमको उसको पीएलसी को समझा देना है जब तुम एक कन्वर्शन करोगे या फिर एक प्रोग्राम लिखने जाओगे। डज द सेंसर कंप्लाई विद NAMUR एनी 43 रिकमेंडेशन। ये जो है NAMUR एक तुम्हारा सिग्नल कन्वर्शन या फिर पीएलसी प्रोग्रामिंग का एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजिंग ऑथराइज्ड बॉडी, उसके प्रोटोकॉल्स के साथ तुम्हारे जो कॉन्फ़िगरेशन है सो सारे मैच होना चाहिए। इन दिस केस ए सेंसर फॉल्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए करंट हाई देन फोर करंट हायर देन 21 मिलीएम्पियर। अगर एक वायर ब्रेक हो जाता है
तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि 21 मिली एम्पियर आ रहा है सपोज, वो पीएलसी समझेगा अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई लूज हो गया, तो पीएलसी समझेगा कि वो मोर देन 20 मिली एम्पियर आ रहा है। इज योर सॉफ्टवेयर कैपेबल टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन? अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर अगर ये सारे चीज खुद से कर लेता है, नहीं तो हमको पूरा डिफाइन कर देना पड़ेगा कि अगर 4 मिली एम्पियर के नीचे आता है तो हमें जीरो पकड़ेगा सेंसर प्रोग्रामिंग में, हमको जीरो पता चलेगा कि भाई हाँ कोई वैल्यू नहीं आ रहा, या फिर ऐसा होना चाहिए कि वो नैन पकड़ेगा नॉट ए नंबर। अगर 21 मिली एम्पियर के ऊपर आता है तो हमारा जो पीएलसी है वो उसको फिर से नैन मतलब नॉट ए नंबर मतलब कोई इनपुट ही नहीं आ रहा, ऐसा समझेगा। ठीक है, टेस्ट योर कॉन्फ़िगरेशन बिफोर कमीशनिंग। और फाइनली जब तुम्हारा ट्रांसमीटर कमीशनिंग होगा उससे पहले तुम उसको टेस्ट कर लो, मतलब जो जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है सारे कुछ टेस्ट कर लो। ठीक है, अभी हम लोग बहुत ही वाइटल सेक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें एनालॉग सिग्नल को किस तरह से बाइनरी में हम लोग कन्वर्शन करेंगे। तो इसके पहले, इसके शुरू करने से पहले मैं तुमको एक प्रोसेस डायग्राम दिखाऊंगा और वो प्रोसेस डायग्राम को ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेके पूरा कन्वर्शन को समझाऊंगा। यह है प्रोसेस डायग्राम, इसको देखो ठीक से। ये प्रोसेस डायग्राम क्या कहता है? ये प्रोसेस डायग्राम बोल कहता है कि ये रिजर्वर है, यहाँ से पाइपलाइन से पानी आया है, ये डीएम प्लांट का एक्सेप्शन है, ये रॉ वाटर आया है, ये डीएम प्लांट में सारे आयंस वाटर फिल्टरेशन जितने भी उसमें मैला जितने भी गंदगी है पानी में, जितने भी केमिकल्स है मिनरल्स है, सारे चीज को निकालने के बाद जितने भी उसमें कार्बन है सबको उसको हटाने के बाद ये डी वाटर टैंक में जाके सेव हो गया। ये वाटर टैंक में एक लेवल स्विच है, लेवल कंटिन्यूस उसका मेजरमेंट करता है। ये लेवल स्विच अगर लो लेवल हो गया तो वो मोटर स्टार्ट कर देगा, और फिर हाई लेवल सेंसर फ्री होगा, अगर हाई लेवल हो गया तो मोटर को स्टॉप कर देगा, सब इसके इंटरलॉकिंग से। और उसके बाद एक वाल्व है, ये वाल्व के साथ एक जो तुम्हारा है ये पंप है, ये पंप के साथ एक मोटर जुड़ा हुआ है थ्री फेस मोटर। ये पंप से पंप जो है इसको हम लोग वाटर फिट पंप भी कहते हैं। ये फिट पंप से होते हुए पानी ये पाइपलाइन के थ्रू, ये सोच लो कोई प्रोसेस चैम्बर या फिर कोई बॉयलर एरिया, यहाँ पर पानी आ गया। तो अभी ये जो लाइन मैंने दिखाया है इसमें यहाँ से आते वक्त ये पानी का प्रेशर कितना है, कितना फ्लो है, क्या क्या इसमें पैरामीटर्स हमको देखना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगाया हुआ है ताकि लाइन का प्रेशर कितना है पता चले। और उसके साथ यहाँ पर एक ऑरिफिस मीटर लगा हुआ है जो कि इस पाइप में जो फ्लो है उसको एज एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करके वहाँ पर वेना कॉन्ट्रैक्ट का टैप क्रिएट करके इस साइड का प्रेशर टैपिंग और इस साइड का प्रेशर टैप मतलब इधर हाई और इधर स्लो, ये दोनों टैपिंग के बीच में एक डेल्टा प्रेशर डेल्टा पी डिफरेंस क्रिएट होता है, डेल्टा पी क्रिएट होता है, वेना कॉन्ट्रैक्टर टैप्स बोलते हैं उस जगह पे जहाँ पर मिनिमम प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर को डिफरेंशियल प्रेशर को यहाँ पर डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में आके फिट किया जाता है, एक रॉ सिग्नल है। और फिर यहाँ पर डायफ्राम है, डायफ्राम में जैसे ही वो प्रेशर आके पुश करेगा तो डायफ्राम भी आगे जाएगा, तो ये ट्रांसमीटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स होते हैं। जैसे ही वो अंदर का जो डायफ्राम है उसका जैसे मूवमेंट होगा तो वो कॉन्स्टेंट वो जो डाइलेक्ट्रिक जो है अंदर में कैपेसिटेंस का जो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू है उसमें क्या वेरिएशन आएगा। जैसे वो डाइलेक्ट्रिक वेरिएशन होगा तो वहाँ पर वेरिएशन होने के साथ साथ जो कन्वर्शन है वो कन्वर्शन मतलब तुम्हारा प्रेशर टू 4 to 20 मिली एम्पीयर अकॉर्डिंगली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू वो जो डाइलेक्ट्रिक वेरिएशन के कारण वो वेरिएशन विल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 to 20 मिली एम्पीयर। तो उस तरह से वो कन्वर्शन होके
ये जो 420 मिली एम्पियर है सिग्नल केबल के थ्रू 420 मिली एम्पियर एज ए एनालॉग इनपुट सिग्नल फ्रॉम डीपीटी आते हुए हमारा ये है एआई मॉड्यूल में आ जाएगा, ठीक है। और फर्दर ये सब बर्नौली इक्वेशन है P1 V1 P1 A1 V1 Z1 P2 V2 A2 Z2, ये सारे बर्नौली इक्वेशन है। इसको मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं जबकि अब एआई मॉड्यूल्स के बारे में सिग्नल कन्वर्शन के लिए बोल रहा हूँ तो यहाँ तक समझो। तो 420 मिली एम्पीयर जैसे एआई मॉड्यूल में आ गया और इसके बाद ये कंट्रोल नेटवर्क है इथरनेट है और सारे कन्वर्शन इसी ब्लॉक्स में होने के बाद ये जो है ये इंजीनियरिंग सर्वर स्टेशन 1 इंजीनियरिंग सर्वर स्टेशन 2 ये कंट्रोल नेटवर्क के थ्रू इस ऑलरेडी एक पीएलसी सेक्शन में प्रोग्राम हो जाने के बाद ये जो वैल्यू यहाँ पर कितना फ्लो है क्योंकि प्रेशर तो हमको गेज में दिख रहा है, यहाँ पर मैंने कोई प्रेशर ट्रांसमीटर नहीं लगाया गेज दिखाया, तो इस लाइन से कितना फ्लो हो रहा है ये पंप के कैपेसिटी के हिसाब से वो फ्लो 420 मिली एम का जो भी वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है उस वक्त जो भी डेल्टा पी है वो यहाँ पर प्रोग्राम होने के बाद वो एग्जीक्यूट होके ये हमारा जो स्टेशन है ये स्टेशन में दिखेगा। इंजीनियरिंग सर्वर 1 इंजीनियरिंग सर्वर 2 दो रिडंडेंट है, ये लॉजिक ये एमपीडी से सर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बाद में बताऊंगा मैं सर। और उसके बाद इसके साथ देखो फ्लेक्स स्टेशन लगा हुआ है, मतलब तुम ऑपरेटर जहाँ बैठते हैं डीसीएस इंजीनियर जहाँ बैठते हैं यहाँ से मैंने दो दिया, सब रिडंडेंट है, एक दो इससे कनेक्ट है एक दो इससे कनेक्ट है और फिर देखो दो इससे कनेक्ट है दो, मतलब अगर इसमें से कोई भी एक स्टेशन फेल हो जाता है तो मेरा एक स्टेशन से चारों पीसी चल सकता है, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्टेशन अगर फेल हो गया तो ये स्टेशन से ये चारों कनेक्टेड है चल सकता है, अगर ये स्टेशन फेल हो गया तो इस पीसी से मेरा ये मेन पीसी से मेरा ये चारों फ्लक्स स्टेशन चल सकता है। तो यहाँ पर देखो जो मेरा डेल्टा पी आया वो सपोज यहाँ पर मैंने दिखाया ग्राफिक्स में फ्लो देख रहा है, तो इसी कन्वर्शन को यहाँ तक मैं आई होप कि तुम लोग समझ गए हो। अब इसी चीज को मैं डिटेल में अपना नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये मैंने ट्रांसमीटर दिखाया डीटीपी, अब उसी डीटीपी का एक रेंज को हम लोग एज्यूम करके एक एग्जांपल देखते हैं। क्या है एग्जांपल, लेट द डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर ऑफ रेंज 0 to 300 mm ऑफ H2O शोज ए वैल्यू 2 to 5 mm ऑफ H2O ऑन ट्रांसमीटर डिस्प्ले डीपी वैल्यू ऑन डिस्प्ले। ये जो ट्रांसमीटर इसका सोचो 0 to 300 mm ऑफ H2O है, इसका रेंज है हाई और लो वैल्यू, तो यहाँ पर जब फ्लो हो रहा है तो इसको यहाँ पर डिस्प्ले में एक 250 mm ऑफ H2O दिख रहा है एंड इजीली रीडेबल बाई कंट्रोल रूम सुपरवाइजर। वो डिस्प्ले जो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर जो वैल्यू दिख रहा है वो कंट्रोल रूम इंजीनियर को इजीली समझ में आ जा रहा है भाई एक्चुअली अभी फ्लो मेरा 250 है, सॉरी हाँ अभी मेरा फ्लो 225 है, तो भाई ये जो 225 यहाँ से फ्लो हो रहा है वो तो एक रॉ वैल्यू यहाँ पर प्रेशर डेल्टा भी सेंस कर रहा है, उसके बाद 420 मिली एम्पीयर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसको जो वैल्यू है वो किस तरह से कन्वर्शन होगा वो किस तरह से देख पा रहा है, तो नेक्स्ट देखते हैं। द 0 to 300 mm ऑफ H2O डिफरेंशियल प्रेशर इज डिवाइडेड बिटवीन 4 to 20 मिली एम्पीयर। अगर हम सोच लेते हैं कि 0 जब H2O होगा तब मेरा 4 और 300 जब mm ऑफ H2O होगा तब मेरा 20 मिली एम्पीयर, इसको हम सोच लेते हैं। सो एट 225 mm ऑफ H2O द ट्रांसमीटर जनरेट 16.8 मिली एम्पीयर आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू रॉ प्रोसेस वैल्यू, ठीक है। अगर तो उसको 4 और 20 के बीच में मतलब 16 काउंट के बीच में 0 to 300 को डिवाइड कर दोगे तो तुमको पता चलेगा कि 225 mm ऑफ H2O है तब तुम्हारा मिली एम्पियर 16.8 मिली एम्पियर आउटपुट निकलेगा, कहाँ से यहाँ से, कहाँ से यहाँ से तुम्हारा अगर 225 mm ऑफ H2O है तो 16.8 mm मिली एम्पियर तुम्हारा वहाँ से आउटपुट। ओके नेक्स्ट, व्हेन मिली एम्पियर स्पैन ऑफ ट्रांसमीटर, वेयर अब मिली एम्पियर स्पैन ऑफ ट्रांसमीटर क्या है 20 मिली एम्पियर माइनस 4 मिली एम्पियर, सुना जाच्छे सबाई सौरभ और ये हाँ सर सुना जाच्छे
तो अभी ये जो मैं बता रहा था कि जैसे 420 मिलीएम्पियर में मैंने डिवाइड किया, तो जब 225 एमएम ऑफ एस2 है तो उस वक्त अगर इसको डिवाइड करेंगे इसके बीच में, तो 225 जब मेरा वैल्यू है रॉ डेल्टा पी जब मुझे मिल रहा है, तो उस वक्त मुझे 16.8 मिलीएम्पियर ट्रांसमीटर से बाहर आ रहा है। ठीक है, अब कैसे निकालना है, 20-4 इक्वल टू 16 मिलीएम्पियर स्पैन है मेरा ट्रांसमीटर का। अब ये 225 को 16 से तुम डिवाइड कर दोगे तो 1 मिलीएम्पियर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से तुम उसको 300 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलीएम्पियर मिलेगा, और फिर वो 1 मिलीएम्पियर के साथ इसको तुम ये करके उसका कोरिलेट करके तुम निकाल सकते हो कि कितना वैल्यू। तो देखो फॉर्मूला क्या है, मिलीएम्पियर आउटपुट फ्रॉम ट्रांसमीटर। अभी ट्रांसमीटर से जो मेरा मिलीएम्पियर आउटपुट आ रहा है वो किस तरह से निकलेगा, प्रोसेस वैल्यू मेरा 225 दिखा रहा है, अपर रेंज वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर कितना है 300 इंटू 16 मिलीएम्पियर। 16 मिलीएम्पियर कहाँ से आ रहा है, 20-4 प्लस 4 मिलीएम्पियर, इनिशियल वैल्यू मेरा 4 है ये 4। तो अगर हम डालेंगे मिलीएम्पियर आउटपुट फ्रॉम ट्रांसमीटर 225 एमएम ऑफ एचटीओ डिवाइडेड बाय 300 इंटू 16 प्लस 4। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो देखेंगे कि मिलीएम्पियर आउटपुट फ्रॉम ट्रांसमीटर जो आ रहा है वो है तुम्हारा 16 मिलीएम्पियर। ओके, ये 16 मिलीएम्पियर के आसपास है। नाउ अभी क्या है, 16 सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 225 में वहां पर 16 मिलीएम्पियर आ रहा है। अभी देखो, नाउ फॉर ए टू डी कन्वर्शन, अभी हम सोच लो हमने 10 बिट का ए टू डी कन्वर्टर लिया था जिसका वैल्यू था तुम्हारा कितना था, जिसका वैल्यू था 0 to 1024। मैंने बताया इंटीजर यूनिट 10 बिट का, जो पहले एग्जांपल था उसमें मैंने बताया कि 10 बिट का अगर तुम्हारा ए टू डी कन्वर्टर होगा तो उसका इंटीजर काउंट होगा 0 to 1024। अभी सोचो एक ए टू डी कन्वर्शन है जिसमें 13 बिट रिजोल्यूशन है। ठीक है, तो 13 बिट रिजोल्यूशन का ए टू डी कन्वर्टर एआई चैनल में है। अभी द कंट्रोलर मॉड्यूल कन्वर्ट दिस 4-20 मिलीएम्पियर सिग्नल टू 1-5 वोल्ट डीसी बाय कॉन्फिगरिंग ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ 250 ओम्स इन सीरीज विद द करंट लूप। अभी मैंने तभी बताया कि किस तरह से कितने टाइप के करंट लूप्स होते हैं, कुछ जंपर वाले होते हैं, कुछ शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो अगर ये जो 4-20 मिलीएम्पियर आ रहा है उसको हमको 1-5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमको एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। सोच लो 4-20 मिलीएम्पियर इज डिवाइडेड बाय 1-5 वोल्ट, तो 1 मिलीएम्पियर हो गया 0.25 वोल्ट शंट लगा देंगे तो, और 16 मिलीएम्पियर हो गया तो 4 वोल्ट डीसी। उसी तरह से 16 मिलीएम्पियर में मेरा कितना वोल्ट निकल रहा है, 4 वोल्ट डीसी। मतलब 4-20 मिलीएम्पियर मतलब यह है आई और यह हो गया आर, तो वी मेरा निकल जाएगा ओम्स लॉ से। तो उसी तरह से 4 में 1 वोल्ट निकलेगा और 20 मिली एम्पीयर में 5 वोल्ट निकलेगा। तो अगर 1 मिली एम्पीयर इक्वल टू 0.25 वोल्ट है तो मेरा 16 मिली एम्पीयर में 4 वोल्ट निकलेगा। तो इसको हम शंट लगा के कन्वर्ट किए 4 वोल्ट पे, उस रेंज में लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी देखो द कन्वर्शन ऑफ ए टू बी टेक्स प्लेस इन टू स्टेज, दो स्टेज में इसका होता है। पहला टू रिमूव द क्वांटाइजेशन एरर फ्रॉम द सैम्पलिंग, मैंने बताया था क्वांटाइजेशन एरर जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसको हटाना है, मतलब जो रेस्पॉन्स टाइम है मतलब रेस्पॉन्स शुरू होने से पहले जो शिफ्टिंग है उसको क्वांटाइजेशन बोलेंगे। तो वो हर एक इसमें रहता है तुम्हारा ए टू डी कन्वर्टर में कुछ ना कुछ रहता है, तो उसको हमको हटाना है। द फर्स्ट स्टेज इज सैम्पल एंड होल्ड सर्किट, मैंने बताया था सैम्पल एंड होल्ड सर्किट जो सिग्नल आता है उसको होल्ड करके रखेगा जब तक दूसरा बिट का सिग्नल नहीं आएगा। वेयर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सिग्नल आर स्टोर्ड एज ए सिग्नल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीरियोडिक सैम्पलिंग। इन द नेक्स्ट स्टेज एडीसी कन्वर्ट द वोल्टेज टू द नियरेस्ट इंटीजर काउंट एज पर चोजन रेजोल्यूशन। पहले वो सिग्नल को होल्ड करेगा सैम्पल एंड होल्ड सर्किट, जैसे दूसरा बिट आ जाएगा उस सिग्नल इंफॉर्मेशन जैसे दूसरा वाला आएगा तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, एडीसी क्या करेगा, वो जो वोल्टेज जो मैंने मिली एम्पियर से वोल्टेज में कन्वर्ट किया उसको क्या करेगा, इंटीजर काउंट में कन्वर्ट करेगा। कैसे देखते हैं, ये 13 बिट आइडियल ए टू डी कन्वर्टर
कन्वर्ट्स एन 4 टू 20 मिलीएम्पियर सिग्नल टू 13 बिट, मतलब 12 प्लस एस, 13 बिट को हम इस तरह से गिन सकते हैं 12 प्लस एस। अगर देखोगे ये 13 बिट का एक मेरा कन्वर्टर है, तो एस मतलब साइन बिट, 0 1 2, ये सारे बिट्स है, बिट्स और ये सिग्निफिकेंस है, ये साइन बिट है, तो ये सारे एनालॉग वैल्यूज है। तो अगर सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, 0 में 2 टू द पावर 0, 1 में 1 बिट हुआ तो 2 टू द पावर 1, इसी तरह से 10 में 2 टू द पावर 10, और तुम्हारा 12 में 2 टू द पावर 12 करने से 4095 काउंट आता है, इंटीजर काउंट, ठीक है। बाइनरी इसमें अगर हम इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखेंगे रेजोल्यूशन का, इस तरह से 13 बिट 12 प्लस एस रेजोल्यूशन वैल्यू इन लॉजिक एंड स्केल्ड प्रॉपरली इन HMI फॉर रीडिंग एस इंजीनियरिंग यूनिट। तो इधर एक स्मॉल डायग्राम है, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट जैसे ऑरिफिस, वहाँ से प्रेशर आया, फिर सेकेंडरी सेंसिंग एलिमेंट क्या है, DPT डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, वहाँ से फिर कन्वर्शन 4 टू 20 मिली एम्पियर निकला, फिर AI मॉड्यूल में गया, वहाँ पर एक शंट लगा हुआ है 250 का, उससे तुम्हारा 1 to 5 वोल्ट डिजिटल 1 to 5 वोल्ट आया, फिर PLC DCS में उसको हमने प्रोसेसिंग किया, कन्वर्शन किया, और उसका जो स्केल्ड वैल्यू है एज ए इंजीनियरिंग यूनिट में मेरा मीटर क्यूब पर आवर यहाँ पर दिखाया। चलो अभी देखते हैं क्या बता रहे हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, 0 to, ये 13 बिट का कन्वर्टर लगाया है, मैंने एग्जांपल लिया कि भाई ये 225 0 टू 300 का जो सिग्नल आ रहा है वो एक 13 बिट AI मॉड्यूल में आ रहा है। तो 0 to 13 बिट जो है ये तुम्हारा साइन बिट है, प्लस माइनस ये साइन बिट बोलते हैं। तो हमारा कहाँ तक काउंट होगा, 2 टू द पावर 12। अगर 2 टू द पावर 12 तक देखेंगे, फर्दर द एनालॉग वैल्यू 1 टू 5 वोल्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद 13 बिट AD कन्वर्टर काउंट वैल्यू, दैट इज 0 टू 2 टू द पावर 0 टू 2 टू द पावर 12 इक्वल टू 2 टू द पावर 0 मींस 1 और 2 टू द पावर 12 मींस 1 4095 वैल्यू। अगर तुम देखोगे यहाँ पर, तो मैंने वो जो 1 टू 5 वोल्ट है उसको 2 टू द पावर 0 से लेकर 2 टू द पावर 12, मतलब ये इंटीजर में हम अभी देखेंगे, ठीक है, मतलब 1 टू 4095 को हमने कन्वर्ट किया, कैसे, 1 वोल्ट टू 5 वोल्ट इस तरह से हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। 1 वोल्ट टू 5 वोल्ट को मैंने इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर दिया, 1 टू 4095 वैल्यू। ओ तो फिर फॉर 4 वोल्ट, हमारा तो 4 वोल्ट आया था, हमें तो 4 वोल्ट का चाहिए, 16 मिली एम्पियर हमने देखा था यहाँ से निकल रहा था, तो हम 4 वोल्ट के लिए क्या देखेंगे, हम 4 वोल्ट के लिए देखेंगे कितना रॉ काउंट वैल्यू है, 4095 by 5 into 4, मतलब ये जो वैल्यूज 4 वोल्ट के लिए ये वैल्यू आ रहा है 3284 वैल्यूज, ठीक है। दिस विल कन्वर्ट टू बाइनरी 01 फॉर्म फॉर लॉजिकल प्रोग्राम इन लॉजिक बिल्डर सॉफ्टवेयर। ये जो 3284 वैल्यू है ये लॉजिक बिल्डर PLC का जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो 0 to 1, मतलब अब होगा एनकोडिंग। Therefore, the 4 volt DC real-time analog signal will give a ADC count of 1100 1101, ठीक है। ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू को अगर तुम कन्वर्शन करोगे, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्शन करोगे, ठीक है, तो कन्वर्शन करके तुम्हें मिलेगा 1100 1101 0100, ठीक है। ये हमारा आगे, मतलब ये जो वैल्यू आया है ये है मेरा 4 वोल्ट का वैल्यू, 4 वोल्ट मतलब 16 मिली एम्पियर, मतलब 3284 वैल्यूज। हाँ, अब ये वैल्यू को स्केलिंग करना है, द फाइनल वैल्यू इंजीनियरिंग यूनिट, अभी तो ये वैल्यू तो मेरा PLC के अंदर है, अब इसको किस तरह से इंजीनियरिंग यूनिट में हम शो करेंगे, ये तो ऑपरेटर ये वैल्यू नहीं समझेगा, अब स्केलिंग करना है। अब स्केलिंग के लिए क्या है, द फाइनल वैल्यू मतलब इंजीनियरिंग यूनिट इन बाइनरी डिजिट विल नॉट not be understood by human, ये number human को operators को समझ में नहीं आएगा। So the scaling of this digit are done by HMI as, अभी देखो engineering unit में किस तरह से convert करेंगे, engineering unit मतलब EU equal to raw count value by URV of transmitter into URV of transmitter minus LRV of transmitter plus LRV of transmitter। अभी देखो raw count value मेरा कितना है, 3284, ये URV है मेरा 300, LRV है मेरा 0, ठीक है। अब इसको कोट करते हैं इंजीनियरिंग यूनिट में, 3284 डिवाइडेड बाई 40 URV ऑफ ट्रांसमीटर 4095
इंटू 300 माइनस जीरो, 300 माइनस जीरो, ठीक है, ये जो 4095 है ये है, और ये है तुम्हारा रॉ काउंट वैल्यू। ये करने से इंजीनियरिंग यूनिट आया 240.58 mm ऑफ H2O। यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक मेरा इंजीनियरिंग यूनिट कन्वर्शन हो गया। मेरा वैल्यू था, मुझे जो दिख रहा था वो था 225 प्रोसेस वैल्यू मेरा आ रहा है। तो हम अभी यहाँ तक पहुँच गए 225, मतलब यहाँ तक कन्वर्शन हो गया। अब ये कन्वर्शन तो हो गया मेरा, लेकिन 224, अब मैंने तुमको बताया था क्वांटाइजेशन एरर। अभी ये क्वांटाइजेशन मतलब सिग्नल के साथ साथ बहुत सारे एरर्स भी आ रहे हैं, वो एरर्स को हमको मिनिमाइज करना है। तो वो कैलकुलेशन करके मैं दिखाया, यहाँ पर मेरा राइटिंग पैड नहीं है, नहीं तो मैं तुमको यहाँ बताता। कंसीडरिंग द डिस्टर्बेंस फैक्टर विदाउट डिथटरिंग गिव्स ए -2/3 एलएसबी एरर। तो ये 0.66% का एक प्रोसेस वैल्यू से एरर आ रहा है, वो एरर इसमें आ रहा है। तो द फाइनल इंजीनियरिंग यूनिट इज, अगर ये जो इतना जो परसेंट एरर है वो जो प्रोसेस वैल्यू का, वो प्रोसेस वैल्यू का अगर इतना परसेंट एरर को हम अगर माइनस करेंगे तो फाइनल इंजीनियरिंग यूनिट आएगा 224-70 mm ऑफ H2O, व्हिच इज मैचेस विद आवर रो प्रोसेस वैल्यू 225 ऑफ mm ऑफ H2O। ठीक है, फॉर द दिस मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज फेड टू स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर इन लॉजिक टू गेट द डिजायर्ड फ्लो विद रिस्पेक्ट टू द पीवी। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आ रहा है, इसके बाद इसको स्क्वायर रूट लॉजिक बिल्डर में होता है, इसके अंदर फिट किया जाता है, और उसके बाद प्रोसेस वैल्यू के साथ जो फ्लो है वो एकदम एग्जैक्टली वहाँ पर दिखाता है। तो ये वैल्यू आने के बाद, 240 आ जाने के बाद, ये जो बाकी जो एरर आ रहा है उसमें से नॉइज आ रहा है, मैंने बोला था एंटी अलाइजिंग फिल्टर, लो पास फिल्टर लगाने के लिए, ताकि जो भी बाहर के एक्सटर्नल इफेक्ट्स है वो काउंट करके ग्राफ में काउंट करके निकाला गया है। मेरे पास यहाँ पर ग्राफ में नहीं दिखाया हूँ, अगर वो जो देखोगे ये सिंबल में, ये जो एलएसबी है इसको हम शिफ्ट करेंगे तो वो 0.5 शिफ्ट हो जाएगा। ये जो एरर है, ये जो लोड लाइन है, ये जो क्वांटाइजेशन एरर आ रहा है, ये जो 0.125, इसको जितना लोड लाइन को आइडियल लोड लाइन में शिफ्ट करेंगे जितना, तो उतना क्वांटाइजेशन एरर कम होगा। उसके लिए एंटी अलाइजिंग फिल्टर लगाना है, बहुत सारे फिल्टर्स लगाने के बाद हमको करना है। तो ये जो एरर है ये ऑटोमेटिकली हमको फाइनली इसमें जाके देखा गया है 0.66% ऑफ प्रोसेस वैल्यू, जो हमारा प्रोसेस वैल्यू है, ये प्रोसेस वैल्यू 240.85 का 0.66% निकालने से जो वैल्यू आ रहा है, वो वैल्यू को सोच लो यहाँ पर आ रहा है समथिंग कुछ 15 के आसपास, 15 mm ऑफ H2O, वो 15 mm ऑफ H2O को अगर यहाँ से तो माइनस कर देते हो तो फाइनली तुम्हारा 224.70 mm ऑफ H2O जो वैल्यू है वो हम मेरा 225 जो हमारा प्रोसेस जो अभी दिखा रहा है डिस्प्ले में जो दिखा रहा था वो वैल्यू के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो तुम्हारा एनालॉग वैल्यूज आते हैं 420 mA उसको वो कन्वर्शन किया जाता है। अब ये जो एरर जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ, इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं ताकि तुमको और क्लियर हो जाए वो नेक्स्ट स्लाइड में। द एनालॉग इनपुट सिग्नल रिसीव्ड बाय द कंट्रोलर इनपुट मॉड्यूल सेंट इट टू द पीएलसी डीसीएस रिडंडेंट सीपीयू एंड द ए टू डी कन्वर्टर कन्वर्ट्स दिस कंटिन्यूअस टाइम एंड कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड एनालॉग पुट टू 20 mA signal to discrete time and discrete amplitude signal involving the quantization error plus 1/2 LSB or minus 1/2 LSB will be taken as ideal expectation as per SQNR signal to noise quantization ratio formula. क्या है ideal, क्या है plus 1/2 to minus 1/2, तो मेरा कितना है -2/3, मतलब ये आइडियल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उसमें एरर आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन से निकला है। तो वो एरर को किस तरह से माइनस करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है 20 log 2 to the power q 6.02 .q dB, वेयर क्यू इज द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन बिट। वो ग्राफ से तुमको निकलेगा क्वांटाइजेशन बिट, वो ये बहुत सारे इंजीनियरिंग कैलकुलेशन से ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में फिट किया हुआ रहता है, इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल बिल्डर में ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी किया हुआ रहता है। लेकिन डिटेल में जानने के लिए इतना तुमको कोई बताएगा नहीं, कोई भी पीएलसी का इंजीनियर या फिर डीसीएस का इंजीनियर तुमको इतना नहीं बताएगा भाई अंदर में किस तरह से होगा। तुम किसी से पूछ लो प्लांट में भी, उसको भी नहीं पता चले और रहेगा कि भाई इतना सारा कुछ होता है, वो भी अच्छा इतना सारा कुछ होता है तो मुझे भी पता चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो है 6.02 .q dB
ये जो है एरर काउंटराइजेशन कितना निकलेगा, कितना माइनस करना है, सब अंदर ही होता है कंट्रोल बिल्डर के, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में होने के बाद। तो उसके बाद फाइनली जो वैल्यू है प्रोसेस वैल्यू उसके साथ ये मैच होता है। अगर नहीं मैच होता है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेशन करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, करने के बाद हम लोग उसको मैचिंग करवाते हैं। ठीक, हमको पहले पीएलसी को समझा देना है भाई कि ये जो हमारा डीपीटी है ये फ्लो से लिया गया है, इसका डायनेमिक एक मॉडल उसको समझाना पड़ता है कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, इसका मैक्सिमम रेंज कितना है, ये स्क्वायर रूट में रहेगा ना लीनियर में रहेगा, ये किस तरह का इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा, ट्रांसमीटर का किस तरह का बिहेवियर होगा, डैम्पिंग फैक्टर कितना होगा। ठीक है, ये सारे जितने भी उसके जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है सारे पहले पीएलसी को समझा देने पड़ेगा, तभी उसी हिसाब से जिस तरह से प्रोसेस वैल्यू वहाँ से आएंगे उस तरह से वो प्रोसेस वैल्यू को वो लेगा और फिर कन्वर्शन करेगा, और जो भी नॉइज रहेगा या फिर जो भी डिस्टर्बेंस रहेगा उसको वो वहाँ से सब्सट्रैक्ट करके जो फाइनल वैल्यू है उसको वो आउटपुट में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर मैंने बहुत क्लियरली समझाया किस तरह से कन्वर्शन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मेरे को कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जो पूछे जाए, इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ है, देखो जो हिमाद्री केमिकल्स 2017 में पूछा गया था, हाउ ए प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट यूजफुल टू पीएलसी सिस्टम, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का क्या काम है पीएलसी सिस्टम में, तो उसका आंसर यही है, इट सेंस द रॉ वैल्यू फ्रॉम प्रोसेस, प्रोसेस से रॉ वैल्यू को सेंस करता है। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट हमारा क्या है इसमें, ऑरिफिस प्लेट है, ऑरिफिस प्लेट ने पहले सेंस किया, उसमें टीपी क्रिएट किया और उसके बाद वो जो टीपी है मतलब डिफरेंशियल प्रेशर वो हमारा ट्रांसमीटर में आया, तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट जो ऑरिफिस वैल्यू है ऑरिफिस मीटर है उसने पहले प्रोसेस वैल्यू को उसने सेंस किया एंड फेड इट टू द ट्रांसड्यूसर, उसके बाद उसने ट्रांसड्यूसर को दिया, द ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द सिग्नल, उस ट्रांसड्यूसर जो है उसने कन्वर्ट किया सिग्नल, फिल्टर इट एंड सेंड टू द एआई मॉड्यूल ऑफ द पीएलसी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और उसके बाद उसने क्या किया एआई मॉड्यूल को दे दिया पीएलसी के लिए फर्दर प्रोसेसिंग, और पीएलसी में फिर वो कन्वर्शन हुआ, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और फाइनली इसका जो आउटपुट वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है, ये पूछा जाता है कभी कभी, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। दूसरा है द मिलियम्पियर आउटपुट इज 7.6 फॉर ए फुल स्केल रेंज ऑफ ट्रांसमीटर, 7.6 है मिलियम्पियर आउटपुट है ऑफ ए ट्रांसमीटर ऑफ 0 to 150 मीटर क्यूब पर आवर, एक फ्लो ट्रांसमीटर का मिलियम्पियर आउटपुट 7.6 बता रहा है, व्हाट विल बी द व्हाट प्रोसेस वैल्यू PLC डिस्प्ले विल शो, अभी PLC डिस्प्ले में क्या प्रोसेस वैल्यू शो होगा, सनफ्लेक्स स्टील गोंदिया 2016 में पूछा गया था। तो देखो 0 to 150 है और हमको मिलियम्पियर आउटपुट पता है इतना आ रहा है, लेकिन हमको निकालना है कि डिस्प्ले में क्या प्रोसेस वैल्यू शो होगा, क्या शो हो रहा है, तो उसका ये फॉर्मूला है प्रोसेस वैल्यू इक्वल टू URV मल्टीप्लाइड बाई मिलियम्पियर आउटपुट विद इन ब्रैकेट -4 मिलियम्पियर डिवाइडेड बाई 16, ये फॉर्मूला है। इसमें अगर हम डालेंगे तो URV मेरा 150 है इन मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से अगर 7.6 माइनस 4 करोगे तो 3.6 डिवाइडेड बाई 16 मतलब 33.75 मीटर क्यूब पर आवर। तो ये प्रोसेस वैल्यू का यही फॉर्मूला है अपर रेंज वैल्यू के साथ, तो मिलियम्पियर आउटपुट माइनस 4 मिलियम्पियर जो है उसको माइनस करके डिवाइडेड बाई 16 करोगे तो 150 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 33.75 मीटर क्यूब पर आवर, मतलब 7.6 मिलियम्पियर जब दिखा रहा है तो डिस्प्ले में प्रोसेस वैल्यू 33.75 मीटर क्यूब पर आवर दिखाना चाहिए।